हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी आई टी सोल्यूशन यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में दोस्तों दो काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ये अपडेट हमें दोस्तों अभी मिल रही है विप्रो और एकोलाइट की तरफ से, और इसमें अप्लाई करने के लिए दोस्तों अब लिमिटेड टाइम ही बाकी है। और अगर आप भी हाल ही में पास आउट हुए हैं या फिर आप 23 में पास आउट होने जा रहे हैं, आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। कैसे इसमें अप्लाई करना होगा, ये सब चीज़ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। हम बात करेंगे पहले एकोलाइट की तरफ से जो अपडेट आई है उसके बारे में, फिर इसके बाद हम बात को स्टार्ट करेंगे विप्रो की अपडेट के बारे में। तो पहले मैं आप लोगों को दोस्तों एकोलाइट की तरफ से जो अपडेट आई है उसके बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों हाल ही में जब मैं लिंक्डइन एक्सप्लोर कर रहा था, मुझे यहाँ पे जो कैंपस रिक्रूटर है एकोलाइट के, उनका एक अपडेट देखने के लिए मिला। तो जैसा कि दोस्तों आपको मैं अभी दिखाता हूँ, यार इनके द्वारा अभी एक पोस्ट शेयर किया गया था जो कि दोस्तों आज ही मतलब 18 आवर्स पहले ही शेयर किया गया है कि एकोलाइट जो है SDET रोल के लिए हायरिंग कर रहा है। 23 बैच वाले इसमें अप्लाई करने वाले हैं। इस वाले अपॉर्चुनिटी के लिए सिर्फ 23 वाले अप्लाई कर पाएंगे। विप्रो के वाले में हम आगे बात करेंगे। इसमें दोस्तों BE/BTECH मास्टर्स डिग्री के 23 वाले स्टूडेंट जो कि 60% जिन्होंने पाया है 10th, 12th और ग्रेजुएशन में, वो इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। अगर आप BE/BTECH किए किसी भी ब्रांच से आप एलिजिबल हैं, आपने मास्टर डिग्री MTECH किया है, MCA किया है, आप इसमें एलिजिबल होने वाले हैं। और जो पोस्ट है वो है SDET, जो लोकेशन आपको मिल सकता है वो बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गांव लोकेशन। और याद रखिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो मेंशन की गई है वो 10 फरवरी। अप्लाई कैसे करना होगा और विप्रो की अपडेट के बारे में आगे की वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि अभी काफ़ी बड़ी कंपनियां हायरिंग कर रही है, TCS, इन्फोसिस, सैप लैब, ऐसी कंपनियों में दोस्तों आपको बिना किसी परसेंटेज के जॉब मिल सकती है, इंटर्नशिप मिल सकती है। क्योंकि ये कंपनियां दोस्तों आप लोगों का कोई परसेंटेज और डिग्री नहीं देख रही है। आप लोगों को करना क्या है, नेक्स्ट लेवल लैब, नेक्स्ट लेवल का ऐप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट लेवल ऐप को आप डाउनलोड करके काफ़ी आसानी से 23 में अपनी प्लेसमेंट पा सकते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है दोस्तों, ये कंपनियां बेसिकली आपकी कोडिंग स्किल्स को आपको पता है चेक करती है। तो आप लोगों को करना क्या है, अपने दोस्त के साथ या किसी अपोनेंट के साथ कोडिंग गेम खेलने हैं। MCQ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिलते रहेंगे, आपको आंसर देना है, उसको आंसर देना है, जो ज़्यादा आंसर देगा उसके पॉइंट्स बढ़ेंगे। और जितना ज़्यादा आप पॉइंट्स पाएंगे उतनी ज़्यादा कंपनी में आप अप्लाई कर पाएंगे। सबसे अच्छी बात आपको मैं बताऊं दोस्तों कि अभी ना इस ऐप पे, नेक्स्ट लेवल ऐप पे चल रहा है सीजन 23, जिसमें अगर आप अभी पार्टिसिपेट करते हैं तो जॉब के साथ साथ कई सारी गुडीज आप पा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को एप्पल का मैकबुक मिल सकता है, इसके अलावा आप लोग बहुत सारे और भी प्राइजेस पा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जरूर इसे डाउनलोड करिएगा। खासकर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है और कॉलेज में रहते रहते इंटर्नशिप और जॉब पाना चाहते हैं तो आसानी से आपको इसके जरिए जॉब मिल सकती है। और काफ़ी कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं और हर किसी के लिए यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप देख सकते हैं स्पेशल एबल लोगों के लिए भी यहाँ पे अभी हायरिंग चल रही है, तो आप उन्हें भी इसके बारे में बता सकते हैं। और अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है दोस्तों, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा, जरूर अप्लाई करिएगा। डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, क्योंकि 23 में आपकी इंटर्नशिप और जॉब की तलाश इस ऐप के माध्यम से कंप्लीट हो सकती है। चलिए अब मैं आप लोगों को यार वापस लेके चलता हूँ एकोलाइट के बारे में। आपको मैं बता रहा था दोस्तों 23 बैच के लिए आई हुई है और इसमें अप्लाई करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, जिस पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे टर्बो हायर की इस वेबसाइट पे। ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट है दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने आपको जो बताया वो ऑलरेडी जो रिक्रूटर उनके तरफ से आया हुआ है। आपको इसमें अप्लाई करना है, आप देख सकते हैं 0 से 1 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। 23 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, 22 वाले भी अगर चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। जो बेसिक स्किल मांगी गई है वो जावा, C++। अप्लाई जल्द से कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन हो सकता है ज़्यादा होने पर पहले ही खत्म हो जाएगी हायरिंग। और अगर आप अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के बारे में जो कि विप्रो की तरफ से आई हुई है, उस पर हम चलते हैं। तो विप्रो की तरफ से जो अपॉर्चुनिटी हमें देखने के लिए मिल रही है दोस्तों, विप्रो ने अभी WILP 23 का अनाउंसमेंट किया हुआ है। अप्लाई करने की लास्ट डेट इसमें भी 15 फरवरी है, उसकी 10 फरवरी थी, इसकी 15 फरवरी है। और इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो जो आप लोगों को पर मंथ सैलरी मिलने वाली है वो लगभग 16,000 रुपये होने वाला है, और हर मंथ ये आपका बढ़ता भी जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, टाइम टू टाइम आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी ये सारा चीज़ इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। और एडिशनल बोनस आपको 75,000 का भी यहाँ पे ईयरली दिया जाएगा। बेसिकली अगर बात कर ली जाए कि यार इस प्रोग्राम को कौन से लोग ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये बेसिकली प्रोग्राम है दोस्तों WILP का BCA स्टूडेंट्स के लिए और BSc स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप दोस्तों ये सोच रहे हैं कि BCA में आपको एक अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, तो
या बीएससी के बाद आपको सबसे अच्छी प्लेसमेंट चाहिए तो विप्रो का ये प्रोग्राम आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस प्रोग्राम में दोस्तों वो आप लोगों को ना मास्टर्स एमटेक भी करवाते हैं और काफी रिनाउंड जगह से आप लोगों को एमटेक कराया जाता है। और इस प्रोग्राम में आपको पढ़ाई का खर्चा तो ये विप्रो बियर करती है, साथ में आप लोगों को स्टाइफंड भी ऑफर किया जाता है, तो आप लोगों की दोस्तों एक्सपीरियंस भी बढ़ता रहता है, आप एमटेक भी करते रहते हो तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। आप अगर बीसीए या बीएससी के स्टूडेंट हैं तो जल्द से जल्द इसमें अप्लाई कर दीजिएगा, दोस्तों को भी बता दीजिएगा, याद रखिए 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट होने वाली है। मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि कौन से लोग अप्लाई कर पाएंगे, तो बीसीए बीएससी के 21, 22, 23 स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रोसेस है ये बताया गया है, ऑनलाइन असेसमेंट होगा जिसमें आप लोगों से वर्बल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि टोटल होने वाला है 60 क्वेश्चन, 60 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा, 80 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा, चार सेक्शन इसमें होने वाले हैं। पहले राउंड के बाद आपको बिजनेस डिस्कशन राउंड में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और दोनों राउंड पे अच्छा करने पे आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। याद रखिए इसमें 10-12 का जो परसेंटेज है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिए अदर क्राइटेरिया में सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यार मैक्सिमम 3 साल का आपका गैप अलाउ है, 3 साल के ऊपर का गैप है तो ये अलाउ नहीं कर रहे हैं। और भूटान और नेपाल के जो लोग हैं वो भी दोस्तों अपने सर्टिफिकेट्स के बेसिस में इसमें अगर अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ पे जाके एक बार क्राइटेरिया भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।